छत्तीसगढ़ में आयोजित सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप फेसिंग में खेलते हुए सोनीपत के गोकुल नगर की बेटी हुनर ने सिल्वर मेडल जीता। 3 दिवसीय प्रतियोगिता रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई, जहां देश भर के 19 राज्यों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां सोनीपत के काठमंडी में रहने वाली हुनर को प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल से नवाजा गया। गौरतलब है कि हरियाणा प्रदेश से जाने वाली टीम में हुनर ने अपने हुनर से कमाल कर दिखाया है। गौरतलब है कि हुनर सुबह शाम कई घंटे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती थी। मात्र 1.5 साल से ही तलवारबाजी की वो प्रैक्टिस में जुट गई थी। जहां बेटी ने मेडल जीतकर कमाल करके दिखाया है, वहीं खेल के क्षेत्र में सोनीपत की रहने वाली बेटी होना भी ये साबित करता है कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आपका परिचय है, जिस प्रकार से आपकी बेटी ने मेडल लेके आई है, क्या कहेंगे, कौन सी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, किस प्रकार की प्रतिभा बेटी ने निखार कर लेकर आई? मेरा नाम विकास भारद्वाज है, हम यहाँ सोनीपत में रहते हैं। इसका जो है सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो 3 दिन के लिए थी, जिसमें पूरे हरियाणा से और पूरे भारत के 19 राज्यों से लोगों बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें जो है मेरे बच्चे ने जो है सिल्वर मेडल लेकर के सेकंड पोजीशन पर आई है, और हरियाणा को, हरियाणा जो गर्ल्स की टीम है उसको भी जो है ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है 19 स्टेटों के अंदर। हुनर के दादा परमेश भारद्वाज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आयोजित की गई प्रतियोगिता में उनकी पोती ने दूसरा स्थान लिया है, उन्हें बेहद खुशी है। उनके कोच ने भी खूब पसीना बहाया है। उनकी पोती का सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है, इसलिए वह दिन रात प्रैक्टिस करती हैं। मेरा नाम परमेश भारद्वाज है और गोकुल नगर सोनीपत से रहते हैं, और हमारी पोती हुनर है और ये छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में और सेकंड पोजीशन पर सिल्वर। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है, किस प्रकार मेहनत करती है बेटी? हमारे को बहुत खुशी है और ये सवेरे शाम बहुत मेहनत करती है, और इनके कोच भी बहुत मेहनती हैं और दोनों टाइम क्या ना प्रैक्टिस कराते हैं, और बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है इसको, और बहुत बहुत अच्छा मतलब आगे और भविष्य में भी वो गोल्ड मेडल लाएगी। हुनर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल लेकर आई हैं। सभी खिलाड़ियों ने मेडल लाने की कोशिश की। ये भी बताया कि 300 तलवारबाजों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हुनर ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का है। वहीं बेटी द्वारा फेंसिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल है। मेरा नाम हुनर है, मैं फेंसिंग गेम खेलती हूँ। मेरी चैंपियनशिप नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। मैं सिल्वर मेडल लेके आई हूँ, और हमारे जितने भी फेंसर्स थे उन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि वो भी मेडल लाएं अपने स्टेट के लिए, और 300 फेंसर्स ने इसमें भाग लिया, इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिल्वर मेडल आया। वाकई मेहनत के बलबूते पर इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है, ऐसा ही उदाहरण सोनीपत की बेटी हुनर ने पेश किया है। गुहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।